कि न्यू लोकेशन पे उन सभी वेपन्स को ढूंढने के लिए। फिलहाल ये है लॉसवेल, ये हमारी लीडर है। हमें सारी कमांड्स यही देती है कि हमें कहां पर जाना है, कब अटैक करना है, कब छुपना है, कब कवर लेना है, ए टू जेड। फिलहाल आज हम लोग शायद से किसी एक सीक्रेट आइलैंड पे आए हैं। ओके, स्नाइपर्स चलने वाली है भाई, मामला डेंजरस ही होगा आज। तो सीक्रेट आइलैंड पे कुछ ट्रक्स वगैरह आ रहे हैं, सामने दो गार्ड्स भी हैं, तो मुझे इनकी थोड़ी बात सुननी चाहिए। ओके, मेरे साथ शायद से एक बंदा और है। यस भाई, 200 मीटर दूर हम दोनों लोग फिनिश आउट पहन कर। नहीं, ये उनके बंदे थे, हमने उन्हें मार डाला है। हम लोग उनके भी पीछे बैठे हैं, ये रे। हम लोगों ने खुद तो गीली सूट पहने ही है, अपनी गन्स को भी गीली सूट पहना दिया भाई। मॉडर्न वॉरफेयर में सब कुछ नेक्स्ट लेवल होता है गाइस। आज बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल फाइट्स होने वाली है। फिलहाल हम दोनों लोग घास में लेटे हुए हैं, सामने कई अपनी स्नाइपर बहुत ज्यादा लॉन्ग स्कोप वाली है। एक सेकेंड, यहाँ पर एक बंदा है, इन सबको मारना है। थोड़ा सा वेट करता हूँ, इसके बाद उनसे एक साथ अटैक करेंगे। तो अभी 1, 2, 3 and 4, 5, 6 टोटल 6 गार्ड्स हैं यहाँ पर, और हमें आगे बढ़ने के लिए इन सबको चुपचाप से मार नहीं होगा। फिलहाल स्टार्ट करते हैं टारगेट नंबर 1 से सीधा हेडशॉट। बेचारे को मालूम ही नहीं पड़ा होगा मैंने इसे कहाँ से मार डाला। एक सेकंड, कोई गोली बोल मार रहे हैं, इसको पता कैसे चला मैं घास में पूरा लेटा हूँ। नजरें तो बहुत तेज है भाई इनकी, बाकी निकल यहाँ से, सबको मार डाला। एक सेकेंड, उन सबको तो मार दे, यहाँ कौन है? अच्छा बेटा जी, पास आ गए क्या तुम लोग? लो बाय बाय। एक दो लोग भाई, नहीं नहीं प्रॉब्लम हो गई, ये देखो। अरे भागना होगा भाई, एक नहीं दो नहीं बहुत सारे लोग आ गए, मेरे को पत्थर के कवर चाहिए। मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, 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 मरूंगा। हाँ रीलोडी प्लीज प्लीज। भाई भाई झाड़ी झाड़ी झाड़ी, ओह भाई मरेंगे। मेरे पास ग्रेनेड है, ग्रेनेड फेंक देता हूँ, मेरे ऊपर ही ग्रेनेड फेंक दिया उन्होंने। ऐसे की तैसी, अरे भाई चक्कर आ गया यार, ऐसे मत करो प्लीज प्लीज, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा मैं, शायद सब मर गए। अरे भैया गलत ही लोग आ रहे थे, कोई तो यार शायद मार दिया मैंने, नहीं मरा नहीं मरा। इधर 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 भैंस की तार, कच्चा खिलाड़ी समझा है। पीछे से भी कोई मेरे साथ जो था वो कहाँ पर है? कहाँ लेटे हुए तू घास में? पबजी के खेलता था क्या पहले? छुपा हुआ है, निकला ही नहीं, पता नहीं यार वो कहाँ चला गया। खैर ठीक है, हमने सबको मार डाला। ओहो, तो ये बैठा है यहाँ पर, मैं सोच रहा हूँ पता नहीं यार कहाँ चला गया मुझे छोड़ के। खैर अभी हमें यहाँ से आगे बढ़ना है, और ये क्या है, मैं इसके अंदर तो छुप के जा सकता हूँ। नाइस, ये जगह मुझे पसंद आई, पर शायद यहाँ से थोड़ा टाइम लग जाएगा, अभी बंदे ही नहीं थे। छुपने के लिए ठीक रहती है, थोड़ा सा लेट के जा रहा हूँ मैं। चलो ठीक है, इन सबकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। सामने ये कौन है? झाड़ी है, बहन है। अच्छा बहन है भाई, अभी तो ऐसा लग रहा है हर जगह मुझे सामने ये गार्ड्स नजर आ रहे हैं, कार्टल्स है गाइस। ये सारी हसन की सिक्योरिटी है जो कि वेपन छुपाने में हेल्प कर रही है। बाकी यहाँ पर इतने सारे लोग थे तो हो सकता है ये शैडो किस चीज़ की आ रही है। अच्छा ये विंडमिल चल रहा है ना, इसका शैडो आ रहा है भाई। गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी इतनी मस्त है ना, एक चीज़ फुल डिटेल वाइज दिखती है। आई थिंक पुलिस कहाँ पर चला गया, वहाँ पर गया। मैं कहाँ जा रहा हूँ, इसको फॉलो क्यों नहीं कर रहा हूँ मैं? चल रहा है मेरा, मैं मतलब जब गेम में आ गया ना तो थोड़ा बहुत मैं इन गेम करेक्टर्स को छोड़ के अपनी दुनिया में अलग हो जाता हूँ। मैं थोड़ा अपने हिसाब से ज़्यादा खेलता हूँ ना कि गेम के हिसाब से। बाकी कहाँ चला गया भाई, इतनी दूर ना जा रहा है? गिरा बेचारा, इतने धीरे चल रहा है, साउंड नहीं कर रहा हूँ, और मैं ऐसे भाग रहा हूँ कि कोई बैठा हो तो दोनों को मार डाले चुपके से। कैसी सी जगह यार, यहाँ पर शायद पहले कुछ पुराना किला या फिर कुछ घर तो हुआ करता था। देख रहे हो सारा पुराना पुराना घर टूटा पड़ा, एकदम गाड़ी गाड़ी लोकेशन है इस गेम में। ये लोग यहीं कहीं चुपके बैठे हैं, अचानक से ना कभी भी अटैक हो सकता है। अपनी स्नाइपर रीलोड कर लेता हूँ, क्योंकि जब रैंडम अटैक होगा ना तो फिर रीलोड करने का टाइम मिलता नहीं है, तो सब कुछ फुल रीलोड रहना चाहिए एक सोल्जर का। ऑलराइट, तो अभी हम दोनों लोग भागते भागते उस जगह से काफी ज्यादा आगे आ चुके हैं, और यहाँ पर ये इतना बड़ा फैन टूट के गिर रखा है इस विंडमिल का, मतलब शायद गिरा होगा, इन्होंने यहीं पर रख दिया उसे। कि हम लोग किसी टूरिस्ट स्पॉट पे आ चुके हैं, जो लोग यहाँ पर गंद मचा कर गए हुए। हम लोग यहाँ पर आना चाह रहे थे इतनी देर से। भाई साहब, मैं जगह देख के थोड़ा सा हिल चुका हूँ भाई, आज फाइट बहुत डेंजरस होने वाली है। सामने देख रहे हो कितनी ज्यादा सीक्रेट आइलैंड पे इतनी बड़ी फैसिलिटी, जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़े बड़े वेयर हाउस टाइप कुछ तो है। और यहाँ पर ये देखो, ये तो खैर कोई नॉर्मल बंदा है,
ये रे कार्टल देखो, जिसके पास वेपन है वो कार्टल, और बाकी शायद से सिविलियन भी है। ये नहीं, ये तो कार्टल है, काम में जान है। ये लोग सिविलियन है, देखो ये लोग काम कर रहे हैं। आउटलाइन है, ठीक है, इसको मारते हैं पहले, ठीक है। जिसको मैं मारूंगा मेरी हेल्प करेगा उसका भी। देखो ये जो ये वाइट लाइन है ना, ये इस बंदे का निशान है। कहाँ लेटा है मेरे को दिख रही है, ये देखो ये यहाँ लेटा है। मैं भी ना पहले कोई ढंग की पोजीशन लेके लेटता हूँ यार, क्योंकि इनकी आंखें बहुत तेज है भाई, अचानक से मारना शुरू करेंगे, कवर लेने का टाइम नहीं मिलेगा। तो ये जगह शायद से थोड़ी ठीक रहेगी, मैं घासों के बीच में अभी करते हैं। और 3, 2, 1 लेट्स गो। अरे नहीं, नाइस, इसका निशाना अच्छा था मेरा, खराब था। क्या सीन है ना, थोड़ी सी फिजिक्स भी फॉलो करनी पड़ेगी, लोग बहुत दूर है तो एम ऊपर के मारना है। और देखो लगा वो भी इन लोग को पता नहीं चला, एम यहाँ पे रखना है मारने के लिए। रे भाई वेट, बुलेट को ना वहाँ तक पहुँचने में भी बहुत टाइम लग रहा है, वो बहुत दूर है। मैं डबल जूम करता हूँ, काटा है मारना इसे। गया डाउन। और तो पहले हमें उन लोग को मारना जो लोग फैसिलिटी के बाहर बाहर खड़े हैं। तो ये है टारगेट, डाउन। नाइस 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 नाइस, इसका निशाना बहुत सही है यार। तो यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, ये तो दोनों एक नहीं मरेंगे। 3, 2, 1 शूट। गलत, मैंने खराब करा। अरे लग जा यार, भाग करा रहे हैं लोग। पड़ गई। इसके नहीं पड़ी। ओ भाई उनका सायरन बज गया भाई, उनको पता चल गया अटैक हो रहे हैं। ये देखो सारे लोगों में भगदड़ मच गई। मर गया। ये भी जाएगा भाई, उन्होंने शटर, सारे शटर बंद कर। ये क्या आ रहा है भाई, कुछ गलत लग रहा है। आरपीजी है। ओ तेरी की भाई, रॉकेट लॉन्चर मार रहे हैं। भाग जा भाई, ये देखो रैंडम मार रहे हैं, उन्हें पता नहीं हम लोग कहाँ पर हैं। ठीक है, मुझे ध्यान रखना है। और क्या फाइट हो दे, ये तो बहुत दूर फटा यार, मेरे क्यों डैमेज आया। मतलब पावरफुल है शायद इनका वेपन, बहुत दूर भी फटेगा तब भी लगेगी। यार कौन मार रहा है बे, यही आ रहा। सही टाइम पर निकल गया मैं, जो मार कौन है, मुझे उसे डाउन करना है। ठीक है, यहाँ से आ रही है शायद, यार दिख नहीं रहे। ये रहा तेरी भैंस की, निकल यहाँ से। अरे बच कैसे गया। अरे भाई इनको मारने के साथ साथ बाकियों को भी ध्यान रखना है, क्योंकि सिर्फ कोई एक बंदा शूट नहीं कर रहा है, बहुत सारे हैं। ये देखो ये बैठा, हाँ ये ले, पड़ा उसके अपने बंदे ने डाउन करा, मैंने नहीं मारा। एक बारी ना थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि गोलियाँ जा किधर तक रही है, तो फिर मैंने भी डाउन करा। बढ़िया, अभी ये लोग, ये तो आगे बढ़ रहा है भाई, ये अच्छा करा इसने। लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे ना, तो उनको भी, उनको लगेगा दूर से गोलियां आ रही है, तो लोग दूरी बचाते रहेंगे। बाकी एक यहाँ से मार रहा है, उसकी आरपीजी ये आई। हाँ बेटा क्या बोल रहा था, ये ले पड़ी क्या, नहीं उसे मालूम पड़ा है बस। एक मिनट यार, कितनी दूर है जो तक बुलेट पहुंच नहीं रही, मतलब पैरों पे लगी। ओ नाइस यार, ये सही मार रहा है, थोड़ा पास जाना चाहिए मुझे। यहाँ से मारी किसी ने, ये तो सिविलियंस है, इनको नहीं मारना यार, उन्होंने कुछ नहीं करा। जो आरपीजी चला रहे हैं मैं उन्हें मारना है। रीलोड कर लेता हूँ, मैं भी थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, क्या जितनी ज़्यादा पास जाएंगे उतना ज़्यादा एम लगाने में आसानी होगी। नाइस, अरे भग्या बच गया यार। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा मतलब देख रहे हो वो कहाँ पर जा रहा है, तो वो गोली का निशाना आगे रखना पड़ रहा है, बंदे के ऊपर नहीं रखना, प्रिडिक्ट करना है वो भाग के कहाँ जाएगा फिर मारना है। एक्चुअली क्या है ना, मैं डबल स्कोप पे अच्छे नहीं चला रहा, नॉर्मल पे ज़्यादा अच्छे चला रहा हूँ। मारो, ले आई थिंक लास्ट टारगेट अपने यही रह गए हैं, तो मुझे इसको डाउन करना है। लेट्स गो, सीधा हेडशॉट। और एक ये बचा, तू भी मर। वेट बच गए। एक सेकंड, ओहो भाई ये बढ़िया शॉट मारा, तो भाग के जहाँ जा रहा था मैंने आगे निशाना रख के मार दिया। ऑलराइट, तो अभी फिलहाल हम लोगों ने उन सभी बंदों को मार डाला है जो सामने से आरपीजी चला रहे थे। फिलहाल अभी हमें जा करना दोनों बिल्डिंग्स को चेक करना है, ये वाली और एक ये वाली। हो सकता है यहीं पर इन लोगों ने वेपन छुपा रखे हो। बट एक सेकंड, ये दो गाड़ियां अंदर बिल्डिंग से निकली है और इस तरफ ही आ रही है, मुझे शायद से थोड़ी देर ना यहीं पर छुप जाना चाहिए। मैं अपनी गन को भी अंदर रख सकता हूँ, बट नहीं यार, गन बाहर निकाल लेता हूँ। इन लोगों ने अपनी गाड़ी यहाँ पर लाकर रोक ली है, देखो। ओके, तो उस टाइम पर ये लोग खुद ही आ गए हमें ढूंढने के लिए। एक गाड़ी तो लेकर यहाँ से जा रहे हैं, मुझे धीरे धीरे पीछे मूव होना होगा। मुझे एक ऐसी जगह पर जाना है जहाँ पर जब मैं फाइट करूँ तो मुझे कवर मिले। वैसे मैं छुपा भी रह सकता हूँ, बट हमारे भाई को बंदे कूटने में अलग मजा आता है। एक बढ़िया सा कवर ढूंढते हैं, फिर चलकर इनसे फाइट करेंगे। दोनों गाड़ियाँ यहाँ से जा चुकी हैं, मैं लेट जाता हूँ यहाँ पर, सामने मुझे लोग नजर आ रहे हैं। ये डेंजरस है, मुझे कवर चाहिए, अपना दूसरा बंदा कहाँ है। तो मैंने मार
मार दिया, बट दूसरे को मारना, दूसरा छोड़ो यहाँ पर बहुत सारे ग्रेनेड डालना होगा, ये ले। ओ नहीं 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 नहीं, मेरी गन रीलोड, मेरी गोलियां पड़ रही है भाई, जैसे मैं खड़े हो रहा हूँ वैसे कोई तो मार रहा है, कोई ज्यादा पास आ गया है जो मेरे को, मैं जैसे देख नहीं पाया। ओहो पिटे बेटा, तुम तो गलत जगह से तुमने ट्रेनिंग लिया है कोई। सारे गए बेचारे, ये कौन है, मेरे तो मूव है गया, सबको मैंने मार डाला, ये भाई सबसे बैठ के इंतजार कर रहे थे मेरे आगे आने का, भाई बंदे डेंजरस थे, मतलब ठीक है कि मैं भी डेंजरस था, इन पे भारी पड़ गया। फिलहाल अभी ये लोग बातें कर रहे हैं, मुझे बढ़ना है भाई फैसिलिटी की तरफ, वो ऊपर से बैठ के मुझे स्नाइपर से कवर देगा, ये काम मुझे अकेले करना है। जैसे मैंने बताया था, एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है, दोनों में से किसी एक बिल्डिंग में वो वेपन्स हो सकते हैं जो इन लोगों ने चुराए हैं यूएस आर्मी से। तो गाड़ी लेकर भाग तो रहे थे, बट पता नहीं कहाँ भाग रहे थे, ढूंढ लिया। ओके ठीक है, यहाँ पर बंदे तो होंगे, मुझे मालूम है, इन लोगों ने सारे शटर बंद कर लिए थे, यहाँ पर बंदे के साथ साथ बहुत सारे वेपन्स भी होंगे। तो अभी हमें इनके अंदर घुसने का रास्ता ढूंढना है, क्यों ये नहीं खुलेंगे क्या? यस, मैंने ऊपर नहीं कर सकता, गोलियां मार के भी मैंने तोड़ नहीं पा रहा हूँ, ये बुलेट प्रूफ है, कोई तो रास्ता होगा अंदर जाने का, क्या डार्क साइड से? यहाँ पर यार बंदे देखो गाइस, ये है वो मोर्टार जो हमारे ऊपर लॉन्च कर रहे हैं ना लोग, ऐसे वो आरपीजी नहीं थी, वो मोर्टार थी, मोर्टार की बहुत ज्यादा रेंज होती है, ये क्या अंदर से गोलियां चला रहा है, इस तरफ दरवाजा है, मैं इसे शायद ओपन कर पाऊं, लॉक्ड है यार, इसकी चाबी कहां मिलेगी मुझे? यहाँ पर काफी सारे सिविलियंस भी थे ना, वो शायद भाग गए होंगे, नहीं पर थे, ठीक है वो भी अंदर भाग गए होंगे यार, सब लोग अंदर भागे, इस टाइम साइड पे कोई नहीं है। अगर अचानक से मान लो कोई बंदा यहाँ पर से लेट के छुपा हो, मैं जा रहा हूँ, मुझे से कितनी आराम से मेरे को मार सकता है। बाकी ठीक है, एक बिल्डिंग के अंदर जहाँ वेपन्स को ढूंढने जा रहा था वो तो मैं खोल ही नहीं पाया, यहाँ पर दूसरी बिल्डिंग हो रहा है, एक बार इसके अंदर चल के देखते हैं। अच्छा क्या, अच्छा ये कह रहे बहुत सारे ऑप्शन है, इसी से पूछ लेता हूँ, चल नहीं, समझ गया, ये वाला दरवाजा भी लॉक होगा, ठीक है। तो गाइस अभी हमें यूज करने होंगे ये सी को ब्रीचर, इससे क्या है, मैंने इसको यहीं पर लगा के दरवाजे को ओपन कर लूंगा, यहाँ पर इसे निकाल के दरवाजे में करता हूँ फिट, और एक काम करता हूँ दरवाजा ओपन होगा, मुझे मालूम है सामने से मेरी गोलियां पड़ने वाली है, तो स्नाइपर लेकर मैं दूर बैठ जाता हूँ, और 3-2-1 उसको ब्लास्ट करते हैं। है कोई यार, धुआं धुआं हो गया, कोई ढूंढ नहीं रहा, अंदर साइड खाली है, एक सेकंड यार, वेट, पहले तो मेरे को ना इसका स्कोप चेंज करना है, यहाँ पर अभी छोटी साइड चलेगी क्योंकि अभी क्लोज रेंज फाइट होने वाला है, एक बंदा मेरे को, ओहो पकड़े गए बेटा, रुक जाओ तो मैं ग्रेनेड डालूंगा अंदर, ये अरे नहीं ये नहीं डालना है, कैंसिल करना है, पहले ग्रेनेड सेलेक्ट करते हैं, और अभी मुझे अंदर ग्रेनेड डालना है, इन लोगों ने भी ग्रेनेड फेंका है, अंदर बोलो बेटा, ये मेरा ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ, ओ फिट, एक बंदे को देखो मैंने ग्रेनेड फेंक के मार डाला। बंदे एक काम करता हूँ, यहाँ पर ना इधर कवर है, सीधा भाग कर मैं डबल स्लाइड मार के इधर आ जाता हूँ, बैठे पीटे तुम, ले एम ले, ठीक ले, मैं पागल बनाएगा तू, मेरे पास इससे क्या ये सारे के सारे लोग अंधे हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए, मतलब बहुत तेज लाइट जलेगी, थोड़ी देर के लिए इतना बंद हो जाएगा, ग्रेनेड डालने में मैंने इसे डाउन करा, स्लाइड करके आ जाता हूँ। अच्छा बेटा चलो बाय बाय, लास्ट टाइम वाली गलती इस बार नहीं करने वाला मैं, ठीक है, क्योंकि मैं ब्लास्ट करने वाला तो नहीं है ना, उधर जाने देते हैं, ये डेंजरस है, मेरी दोबारा से बुलेट खत्म हो चुकी है, मुझे एक नई गन उठानी होगी, यहाँ पर मैंने कुछ लोग को मारा था, नहीं यहाँ नहीं मारा था, ये मारा था, यहाँ पर इसके पास गन होगी, स्नाइपर चलानी पड़ेगी अभी। इनके पास कुछ तो AK-47 जाती है, इनकी गन लेकर मैं इनकी गन में जाने वाला हूँ, आ जा बेटा।
निकल यहाँ से, तू भी निकल भाई। गन तो बहुत अच्छी है भाई इन लोग के पास। शायद से मैंने सारे बंदों को मार डाला, कोई है और यस सब मर गए भाई। जो भी हो मेरी गन अच्छी थी, उसकी बुलेट्स खत्म हो गई है, मेरे को इनकी गन से ही फाइट करनी होगी। आप लोग खुद देख सकते हो भाई, वेपन छोड़ो यहाँ पर तो यार लग ही नहीं रखी ये वैसा कुछ है। यहाँ पर फैक्ट्री है ये तो, एक फैक्ट्री में मतलब क्या क्या पड़ा हुआ है देख लो, केले के डब्बे हैं गए यहाँ पर, कोई कैसे वेपन छुपा सकता है। बनाना के डब्बे हैं, बनाना नहीं बनाबा, ये क्या होता है भाई। ठीक है यार मैं अभी दूसरी साइड पर चलता हूँ, जो दूसरी वाली बिल्डिंग थी वहाँ पर भी मैं कुछ इस तरीके से बोम ब्लास्ट करके उनका दरवाजा ओपन करके एंटर कर सकता हूँ। तो इसको करते हैं ओपन। ओपन हो गए, अभी गुस्सा आ गया बहुत। दूसरी बिल्डिंग के अंदर जितने बंदे हैं उनसे फाइट करने में मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगा, अब सब मरेंगे। स्नाइपर को रीलोड कर लेते हैं एंड टाइम पर, ये भी काम आ गई थी आज। ये नहीं होती तो शायद मैं तब भी नहीं मरता, मैं ग्रेनेड डाल देता उस बंदे के ऊपर जो पीछे आया था। आगे ठीक है, मैं फटाफट से पहले तो ये निकाल लेता हूँ अपना C4, पक्कर चलते हैं। इस C4 को मुझे प्लांट करना है यहाँ पे, परफेक्ट। अब एक काम करता हूँ, पीछे हो जाता हूँ मैं थोड़ा सा और C4 की जगह हाथ में लेते हैं ग्रेनेड। तो देखो गाइस जैसे ही ब्लास्ट होगा मैं इस ग्रेनेड को डायरेक्ट अंदर फेंक दूंगा, ताकि अगर कोई आसपास हुआ तो वो वैसे ही मरे। भाग कर आ रहे थे भाई सब दीवार, इतना लूट के भाई। एक सेकंड झांक बेटा झांक, ये समझ रहा है ठीक है, ऑल क्लियर। डाला ब्रो, यहाँ किसने मारा भाई, मैं यहाँ फेंका किसने, कोई पीछे से ना आए भाई। ये भाई साहब चढ़ा दिया तुमने भाई को, मैं यार इन लोग को थोड़ा बहुत हल्के में क्या लेने लग गया, ये तो सीधा गंदे तरह मार रहे हैं मेरे को। अभी रुक जाओ तुम जरा, अब मैं इनके ऐसे कैसे करता हूँ, इन सब की जरूरत ही नहीं है भाई। अभी ग्रेनेड वगैरह की इसको सीधा करते हैं ब्लास्ट। अब आओ बेटा कौन है, झाको तुम सीधा झाको, सीधा मुंह पे गोली आएगी तेरा, निकल यहाँ से निकल, मंदे नहीं बेटा। हाँ बेटा बोलो, लास्ट टाइम छोटी सी गलती मुझे मार डालोगे तुम्हें, अब मारो ना कोई झाको बेटा, बस सुनो झाकने वाले बनो, मैं फोड़ने वाला बन चुका हूँ भी। लेट्स गो, सब गए। तो यहाँ पर भी वेपन्स नहीं है शायद, फिर ये कंटेनर्स के अंदर पक्का मिसल्स होगी, इसी के अंदर थी लास्ट टाइम भी मिसल, शायद हमने ढूंढ डाली। नहीं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स हैं, इनके पास ये कोई तो गन है भाई, कास्टो क्या नाम है इसका, बट ये अच्छी नहीं लगी मुझे, मेरे को यही ज़्यादा प्यारी लग रही है। बट जो भी है भाई देखो, मेरे को लगता नहीं है मिसेस यहाँ पर हैं, इतना बड़ा कंटेनर इसके अंदर ये लोग ड्रग्स, मेरे को लग रहा है ये जो पूरी पूरी फैसिलिटी है ना ये शायद से यही ड्रग्स वगैरह इन फालतू चीज़ों के लिए, बट यहाँ पर ये पिस्टल है, मेरे को नहीं अच्छी लगी है। निकले यहाँ से या फिर अभी कुछ करना है, एक सेकेंड, अपना टारगेट है उधर कुछ तो आ रहा है सर्च करने का, लेस बोल ने हमें कमांड दिया वहाँ पर जाके कुछ ढूंढने के लिए, बात कर चलते देखते हैं भाई क्या सीन है। बट मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर भी कुछ खास मिला, ये क्या है। अच्छा सॉरी सॉरी, ये लोग फिशिंग भी करते होंगे ना, इतनी सारी मछलियाँ उसके अंदर रखी हुई थी इन्होंने, सारी की सारी बेचारी वैसी मरी हुई थी बाहर हो गई, यहाँ पर भी गिरी पड़ी है भाई। मच्छी मक्खर मक्खर मच्छी का मच्छरों का खाना बन गई मच्छी, इतनी सी चीज़ बोलने के लिए मैंने क्या क्या बोल डाला भाई। अगर ठीक है घर अंदर रखता हूँ, अरे अंदर रखना है इसको, यस घर अंदर रख कर ना थोड़ा तेज तेज भागते हैं। लेट्स गो, दोबारा से घर निकाल लेता हूँ, पता चला कि यहाँ पर कोई आकर बैठा हुआ है और मेरे बजा डाले। फिलहाल यहाँ पर ढेर सारी एमो थी, मैं पिक कर सकता था, तो यहाँ पर आ रहा है सर्च करने। ओ वेट, ये इस आयरन का मैप है और इस मैप में कुछ तो मिला हमें, वहाँ पर लाइट हाउस, मेरे को लाइट हाउस दिखा था। हमें लाइट हाउस जाना है अब शायद से, वहां पर बंदे हो सकते हैं। चलो भाई यही सब तो मुझे चाहिए, बंदे लाओ मैं फोड़ूंगा। घास में छुपे रहता है, हेल्प करने आता नहीं मुबरा, ठीक है मेरे को उसकी हेल्प चाहिए नहीं। ओके
कुछ जो लाइट हाउस है, ठीक है लाइट हाउस समझ गए। यस भाई साहब, लग्जरी हाउस बना रखे हैं लाइट हाउस के नीचे। लेट कर देखता हूँ आके गार्ड क्या चल रहा है। तो गार्ड को देखो यार, यहाँ पर भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत सारे लोग हैं। क्रिस कहाँ पर है भाई? तो निकाल मेरे को, शायद ऐसा लग रहा है हम दोनों को मिलके करना चाहिए इस बारी, वरना थोड़ी लड़ाई। चलो ठीक है यार, ये काम पीछे से कवर देगा वो स्नाइपर से, बट क्लोज फाइट मुझे करनी है, मैं बना ही इसलिए हूँ। 3 2 1 लेट्स गो। इनको भी मारना है उस जगह पर, हमें घुस के इनको खत्म करना है। डाउन डाउन, आर्मर पहने हुए हैं बट मजा आ रहा है। हाँ डाउन डाउन, चक्रो तू पर मरेगा मेरे हाथों से। तो पैर पे लगी उसके, बच के चला गया। हम लोगों ने सारे दरवाजे बंद कर लिए, वेपन्स यहाँ पर होने चाहिए, बस मजा आ जाएगा। गाड़ी आ रही है, पर गाड़ी के ड्राइवर कैसे के तैसे मर गया गाड़ी में ही। वो एक और आ रही है और तू भी निकल, कूद का रहा है भाई पीछे। क्या खा के है भाई? 3 मुझे खा गया, वो भी इतनी पावरफुल स्नाइपर की, कोई मार रहा है। चलो ठीक है, अब मेरे को आगे जाना है। ये कार्टेल्स नहीं, ये कोई और लोग हैं क्या भाई? मेरे को ऐसा लग रहा है हम किसी और ही गुंडों को आगे मार रहे हैं, उन टेररिस्ट को छोड़ के। यहाँ सन की सिक्योरिटी वगैरह नहीं है गाइस। एक बार यहाँ पर पहले व्यू देखो, एकदम सुनसान आइलैंड पे, एक लग्जरी लग्जरी तो नहीं, ऐसी नॉर्मल घरों के अंदर जिसमें टेररिस्ट छुप छुप के बैठे हैं। मैं अकेले भागता हुआ जा रहा हूँ घुसते उन्हें मारने। रियलिस्टिक फील लोगे तो मजा आएगा, बाकी जो सोचना है सोचो। क्या ठीक है, फटाफट से चलते हैं। ये इसके अंदर ये लोग कहते हैं, ये क्या है? पैरो काम्बो मैरिनेरो, ये स्पैनिश है शायद, पढ़ने में थोड़ी अजीब सी है। बाकी खुल बे, ये दरवाजा मैं खोल नहीं पा रहा हूँ। हमेशा मेरे साथ ये क्यों होता है यार कि मैं दरवाजा ही नहीं खोल पाता, फिर ब्लास्ट करके घुस गया। यहाँ पर भी है, ये लॉक्ड है, खोलो खोल इसको। अंदर कोई है यार, खाली भी कोशिश कर रहा हूँ अंदर जाने का। मेरे पास मस्त आइडिया है, क्या मैं इस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ सकता हूँ? यार पक्का कुछ ना कुछ तो होगा, जैसे कि यहाँ पर दरवाजा है। ये देखो इधर क्लाइंब करने का आ रहा है, लेट्स गो। उसने मेरी आवाज़ सुन ली, वहीं से दीवार के पास से ट्राई कर रहा है कि लग जाए। ठीक है, अभी तो जंप मारते हैं और चलते हैं ऊपर। देख लिया उसने, ओह मैं नीचे भी गिर गया। दोबारा से चलते हैं ऊपर, और अभी मैं इसको बताता हूँ, ये ज्यादा शेयर बन रहा है अपने आपको। एक सेकंड बेटा, तुम 2 सेकंड। ये निकाला फ्लैश बॉम्ब और ये डाला अंदर, इधर भी फोड़ के फ्लैश बॉम्ब डालते हैं अंदर। हाँ भाई कौन है, निकल यहाँ से, मुझे मारेगा तू, इतना बड़ा हो गया, निकल। आर्मर भाई, आर्मर तो डेंजरस पहने हुए हैं, मर गया लेकिन वो फाइनली। कोई खास नहीं मिला यार, वेपन्स खास दबा रखे इन लोगों ने, ये तो मैंने संभाल लिया। नहीं है यार इधर कुछ भी नहीं है, इसमें खराब है भाई। दूसरी वाली बिल्डिंग थी उसके अंदर चलकर देखता हूँ वहाँ पर वेपन्स है या फिर नहीं। खैर ये वाला दरवाजा ओपन करते पहले, खुल बे खुल तेरी भैंस की, हो गया ओपन। तो ये वाली बिल्डिंग मैंने पूरी खाली कर दिया, अब बची है एक ये वाली बिल्डिंग। तो इस वाली बिल्डिंग के अंदर भी चलते हैं और बंदों को मारते हैं। यहाँ पर शायद ऊपर नहीं चढ़ पाऊंगा, ये थोड़ी बहुत मुझे ऊँची लग रही है, बट फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ पीछे चल के। और नीचे से तो कोई नहीं आ रहा ना, ठीक है। यहाँ पर एक शिप है, शायद इसी शिप के अंदर लॉजवेल थी यार, मेरे को ऐसा लग रहा है वो शिप में आई थी, तो वहाँ से सब कुछ देखकर हमें बता रही है और मुझे ऊपर जाने की सीढ़ी मिल गई। नाइस, वे फटाफट से चलते हैं ऊपर। और यहाँ पर भी मैं इनके साथ सेम वही सीन करने वाला हूँ, नहीं इनके साथ कुछ नया ट्राई करते हैं। ये करता हूँ, ये पूरा फ्लैश बैक था अंदर, ये ब्लास्ट हुआ सीधा मैं आ जाता हूँ नीचे, बट ये मेरा गलत डिसीजन था। It's hard for me to trust you and I.
अच्छा तो वाला दरवाजा जहाँ से मैं एंटर हो रहा था, स्मार्ट होगा ना सब, ये तो छोटा सा घर है, तो अभी कुछ भी नहीं मिल गया। ये अच्छा ये सीकोर है जो दरवाजा दरवाजा तोड़ने के काम आते हैं, हमने थोड़े बहुत यूज़ करे थे, हमें अभी वापस मिल चुके हैं। और इस टाइम पर मेरा ऑब्जेक्टिव है, किधर जाना है मुझे, अच्छी ऐसी बिल्डिंग के अंदर थोड़ी बहुत ढूंढना नहीं करनी है। लेट्स गो, चल के देखते हैं भाई क्या है ऐसा जो मैंने इधर मिस कर दिया। बिल्डिंग देख चुका हूँ लेकिन ये कुछ है क्या है, मिलिट्री वालों के उसका क्रेट है बट वो खाली था, यानी वेपन्स यहाँ पर आए हैं। टनल, ओह इस वाले घर में से कोई टनल वगैरह है क्या जो कि मैं ढूंढने वेट कहाँ पर है, एक सेकंड इसके पीछे। अब मैं गिर गया, देखो कहाँ चला, अरे छुपे रहता है क्या, मेरे मरने का इंतजार करता है यार ये। नीचे मार मार कितना छुपा हुआ था यहाँ पे मैं मारने के लिए, ये बंदा तगड़ा है भाई, इसने देख लिया बाकी टनल कैसी थी यार, कहाँ जाके निकलेगी कोई आइडिया नहीं, बट थोड़ी जीटे पर फील्स नहीं आ रही है, एक घर में सीक्रेट जगह से एक सीक्रेट टनल। जीटे में तो खैर हम लोग बैंक वगैरह में घुसने के लिए बनाते थे, ये कहाँ जा रही है इसका आइडिया, बड़े के साथ साथ चलते हैं। ओह यहाँ पर दूसरी टनल से कनेक्टेड है, इसके रास्ते जा रहे हैं पर हम लोग चलते हैं इसके पीछे पीछे, इसको ज़्यादा नॉलेज है। ओके टनल में बिल्कुल थोड़ा डर तो नहीं लगता है यार, पत्थर पे वेपन्स तो देखो यार यहाँ भी नहीं मिले, कहाँ जा रहा है सामने शिप, वो सामने ये देखो लॉसविल की शिप है यहाँ पर यार, लेकिन प्रॉब्लम्स लॉसविल कहने से कुछ प्रॉब्लम भाई, उसके ऊपर कोई अटैक कर रहा है, शिप पे अकेले उसके ऊपर कोई तो अटैक कर रहा है, मैं दिख नहीं रहा यार, कोई शिप आ रही है शायद इसके पास, हमारे पास आ रही है, अच्छा उसी के पास आ रही है, देखो वो गोली चला रही है, अरे पिस्टल, ओ गिरी पेस की काम, ओ नहीं 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 दोनों तरफ से आ गए यार, यार हमारे आगे एक शिप है, इसकी शिप चल रही है, गोली मारना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, उसे पकड़ कर ले गए यार, भाई उसे पकड़ कर ले गए वो, तैर के साथ क्या अरे नहीं नहीं मिशन एरिया में वो से ले गए, इतनी बड़ी सबमरीन खड़ी है भाई यहाँ से, ये देखो यहाँ पर ये पूरी सबमरीन है भाई, जीते वो भी लास्ट को ये लोग पकड़ कर लेकर जा चुके हैं, जो कार्टल से या फिर पता नहीं कौन सा ग्रुप था, पर जो भी है थोड़ा सा गलत हो गया अपने साथ ही साथ, वेपन्स तो मिले नहीं क्योंकि इतनी डेंजरस फाइट हो गई, और अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट अपना कैप्टन को ही किडनैप कर लिया। किस्तान पर ले गए उसे किडनैप करके, तो भी हमें उसे बचाना होगा भाई, डॉक्टर वगैरह आ चुके हैं अभी, खतरनाक बंदों ने उसे पकड़ लिया और अभी हमें उसे बचाने जाना है।
मजा आने वाला है। तो चल